लय, लयकारी, छंद, बांट, ये सारे शब्द जो हैं कई बार आप लोग सुन चुके होंगे। अगर आप शास्त्रीय संगीत में हैं या फिर आप किसी भी प्रकार का संगीत कर रहे हैं, ये शब्द तो आपने लैंग्वेज बदल कर मगर सुने ज़रूर होंगे। हम स्पीड कह लें, डिवीजन कह लें या स्पीड वेरिएशंस कह लें, ये सारे वर्ड्स आपके सुने हुए हैं। इन पर मैंने डिटेल्ड में वीडियोस बनाए हुए हैं, चर्चा की हुई है एंड इनफैक्ट पूरी की पूरी सीरीज़ बनाई हुई है जिसके थ्रू आप जुड़कर वो सारी चीज़ें डिटेल में सीख सकते हैं। लेकिन आज ये जो वीडियो है ये मुख्य तौर पर लय, लयकारी और बांट के फ़र्क को समझाते हुए है कि बांट कह लीजिए या छंद कह लीजिए, उसका डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस। उसके लिए एक शॉर्ट में मैं आपको थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस देके उनका डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। काम की बात मैंने की ही नहीं, काम की बात मैंने की ही नहीं। सबसे पहले तो जो स्क्रीन पे आपका ध्यान जा रहा होगा कि भैया पीछे स्क्रीन पे भी एक गाता हुआ इंसान आपको नज़र आ रहा है और वो मैं ही हूँ, तो मैं थोड़ा सा अपना प्रमोशन कर दूँ कि हमारा दूसरा चैनल मास्टर निषाद प्रोडक्शंस का ही एक वीडियो चल रहा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। अगर मेरे द्वारा गाए हुए बनाए हुए गाने या किसी और के, हमारे ही स्टूडेंट्स के गाए बजाए गाने भी, गज़लें भी आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस। आइए लय, लयकारी और छंद पर बात करते हैं। मुख्य तौर पर अगर मैं थोड़ी सी परिभाषा बताऊं या ट्रांसलेशन बताऊं तो लय का मतलब होता है स्पीड, लय यानी गति, समय। उसकी किताबी परिभाषा अगर बताएं तो दो मात्राओं के बीच की विश्रांति, समय अवधि, समयांतर, उसको लय कहते हैं। यानी कि इसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन, ये जो भारी भारी शब्द हैं इनको प्रैक्टिकली अगर देखें तो दो बीट्स जा रही हैं, जैसे कि एक, दो, तीन, चार, ये चार बीट्स आपके सामने गुजरे, चार सेकंड गुजरे, ये समझ लीजिए अगर हमने सेकंड की गति को पकड़ा है, जिसे हम टेम्पो भी कहते हैं। लय को हम अंग्रेजी में स्पीड तो कहते ही हैं, साथ ही साथ हम टेम्पो कहते हैं म्यूज़िक की भाषा में। तो आप देखते हैं घड़ी एक मुख्य समय अवधि पर चलती है, यानी अगर एक सेकंड से दूसरे सेकंड के बीच का गैप है तो वही दो से तीन के भी बीच का होगा, तीन से चार के भी बीच का होगा, वही जो बीच का गैप है उसे ही लय कहते हैं, उसे ही समय कहते हैं एक्चुअली में, है ना। अगर वो गैप बिगड़ जाए, मान लीजिए एक सेकंड से दो सेकंड के बीच का जो टाइम था वो दो से तीन के बीच में नहीं रहा, तो हमारी लय बिगड़ जाती है। मान लीजिए कि 12 से 1 के बीच का एक घंटा तो 60 मिनट का था, लेकिन 1 से 2 के बीच का जो एक घंटा था वो 50 मिनट का था, है ना। तो ये नहीं होता है, ये अगर होता है तो हम कहते हैं घड़ी ख़राब हो गई है, ठीक है। तो यही चीज़ संगीत में भी होती है, दो मात्राओं के बीच का गैप है जो हमेशा समान रहना चाहिए, अगर वो असमान हो जाता है तो हम कहते हैं कि लय बिगड़ गई है, तेज़ हो गई है या कम हो गई है या जो चल रही थी वो नहीं रही, ठीक है। तो ये लय की मुख्य परिभाषा है। प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊँ तो एक, दो, तीन, चार, ये चार मात्राओं में एक टाइम पीरियड था। अब वो जो टाइम पीरियड है वो समान था, एक से दो के बीच का भी, दो से तीन के, तीन से चार के बीच का भी। उस टाइम पीरियड को एक जगह की तरह लीजिए, जैसे कि आपके पास एक सूटकेस है, सूटकेस है तो इतना सा ही है, वो स्ट्रेचेबल नहीं है, यानी वो सूटकेस में आप अगर कुछ सामान रखते हैं तो उसी के दरमियान आपको वो सामान रखना होगा, उसी के बीच में, उसी की एजेस का, उसकी बाउंड्रीज़ का, उसकी हदों का ख्याल रखते हुए सामान रखना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा सामान भर दूँ और ये खिंच जाए, ऐसा नहीं होगा, वो सामान फिक्स ही आ सकता है उसमें, उसी प्रकार से लय जाती है। अब एक, दो, तीन, चार, इस तरह से नहीं होगा, या एक, दो, तीन, चार, ये नहीं होगा, ये लय की परिभाषा में नहीं आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये कैसे हुआ, क्योंकि हम जब वेरिएशंस देखते हैं तो इस प्रकार से होता है कि एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, इस प्रकार से चलता है, सरगमों में भी चलता है, गानों में भी चलता है। तो ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं कि ये समान नहीं रह सकता, तो वहीं पर परिभाषा आती है लयकारी की। लय यानी दो मात्राओं के बीच की विश्रांति, वो जो टाइम पीरियड है जो हमेशा समान रहता है उसे लय कहते हैं। अगर ये टाइम पीरियड बढ़ा दिया जाए, जैसे कि एक, दो, तीन, तो लय स्लो हो गई है यानी गति कम हो जाएगी, और यही टाइम पीरियड नज़दीक कर दिया जाए तो एक, दो, तीन, तो ये लय बढ़ जाती है। लेकिन इस टाइम पीरियड के बीच में अगर आप कुछ फिल करते हैं उसे लयकारी कहते हैं, यानी कि एक, दो, तीन,
चार समान गैप देते हुए अब इस ही गैप में हम कुछ फिल कर रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच है, ये मैंने क्या किया, अगर आप इसको विजुअली देखेंगे जैसा कि स्क्रीन पर आ रहा होगा कि एक दो तीन चार के बीच का जो गैप था उस गैप में मैंने कुछ भर दिया, और उसमें क्या भरा, उसमें मैंने लयकारी भरी, यानी लय में कार्य किया, लय में वेरिएशन किया, दो गुना कर दिया, चार गुना कर दिया। अब ये दो गुना चार गुना मतलब एक मात्रा में एक बोल आए तो सिंगल कहते हैं, ठाह कहते हैं। एक मात्रा में दो बोल आए तो उसे दो गुना कहते हैं। एक मात्रा में तीन बोल आए तो उसे तीन गुना कहते हैं। एक मात्रा में चार तो चार गुना कहते हैं। यानी एक ही मात्रा के अंदर अंदर आप वेरिएशन कर रहे हैं, चीज़ें बढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि एक दो तीन चार, 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 एक। अब आप कहेंगे कि यार लय तो बदल गई, हाँ मेरी लय बढ़ी है ना, जब मैंने दो गुना किया तो मेरी लय फास्ट हुई, मेरी चार गुने में और लय फास्ट हुई। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लय फास्ट नहीं हुई, लयकारी बदली। लय फास्ट होने का मतलब होगा वो जो टाइम पीरियड इतना सा एक सेकंड का था वो आधे सेकंड का बन जाए, यानी बेसिक ठाह हमारी एक गुना जो है उसी के बेस पर हर चीज़ बनाई जाती है। अब आप देखते हैं गानों में, जैसे गाना चल रहा है जन गण मन अधिनायक जय हे, तो जन इसमें दो बोल आ रहे हैं तो ये दो गुना चल रहा है, जन गण मन अधे है ना। अब हम इसकी ताली अलग अलग स्वरूप से लगाते हैं, कभी हम कहते हैं जन गण मन अधि, कभी हम कहते हैं जन गण मन अधि, कभी हम कहते हैं जन गण मन अधि ना, इस तरह से लेते हैं। मैं हमारे जनगणमन का एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये सभी का जाना सुना हुआ सीखा हुआ गाया हुआ गाना है, ठीक है, इसीलिए इसके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि जन गण मन, ये हम जन एक में दो ले रहे हैं, हम चाहें तो जन गण मन अधि ऐसे भी लगा सकते हैं, ये बराबर बराबर की ताली हो गई है ना। तो इस प्रकार से हर एक गीत में अलग 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 लयकारियाँ उसका बेस बन सकता है, यानी ठाह जो भी आप रखें उसके ही मुताबिक डिसाइड होता है कि ये दो गुना है या चार गुना है। सिंपल सा अगर एग्जांपल दूं तो अगर 50 आपकी सिंगल है और 100 आपका दो गुना है और 200 आपका चार गुना है और 400 आपका चार आठ गुना है, मान लीजिए 50 की नज़र से देखोगे तो 100 जो है वो दो गुना है और 200 जो है वो चार गुना है, लेकिन अगर 100 को ठाह मान लिया तो 200 आपका दो गुना बन जाएगा, वही जो पहले चार गुना था 50 की नज़र से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कुछ एक कैलकुलेटिव मामला चलता है क्योंकि लय लय गति है, गति समय है, समय गणित है, ठीक है, तो ये जान लेना जरूरी है। तो लय लयकारी का फ़र्क मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि लयकारी मतलब स्पीड वेरिएशंस हैं उसी के अंदर बढ़त करना, दो गुना चार गुना। अब एक में एक आया तो ठाह कहते हैं, एक में जैसे ही दो आया अब ये लय कारी बदली है, लय नहीं फास्ट हुई है। लय फास्ट करना यानी इसी को बढ़ा देंगे आगे, यानी वो जो टाइम पीरियड हो रहा था वो कम कर देंगे, जैसे कि एक दो तीन, मान लीजिए मेरा गाना चल रहा है जन गण मन अधे, अब मैं क्या करूँगा इसकी लय बढ़ाऊँगा तो वो होगी जन गण मन अधे, और लय बढ़ाऊँ तो जन गण मन अधे, ये मैं बढ़ा रहा हूँ लय, यानी वो टाइम पीरियड कम करते जा रहा हूँ, नज़दीक लाते जा रहा हूँ शब्दों को। अब इसकी अगर मैं लयकारी करूँ इसी गाने की तो कैसे होगी, जन गण मन अधि, जन गण मन अधि, जन गण मन अधि, ये इसकी लयकारी हुई, यानी मैंने लय लयकारी बदली, यानी जो वेरिएशन किया थोड़ी सी स्पीड बढ़ाई लेकिन जो सिंगल थी वो वहीं चलती रही। अब आती है बात यहाँ पे मेट्रोनोम या तबले की, कि वो सिंगल बताएगा कौन, वो आपको मेट्रोनोम बताएगा कि उस मेट्रोनोम के मुताबिक आपने वहाँ पे एक लय लगा दी 50 की या 60 की। अब मेट्रोनोम क्या होता है थोड़ा सा एक बार उसके बारे में जान लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ये मेट्रोनोम बीट्स है, ऐसा ही टेम्पो परफेक्ट भी आता है, मेट्रोनोम के नाम से अलग अलग एप्लीकेशन आते हैं। इसमें एक टर्म आपने बार बार सुना होगा BPM, यानी बीट पर मिनट, बीट्स पर मिनट, जिसको कहते हैं 60 BPM लगा दो, तो 60 BPM मतलब 60 बीट्स पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर 60 बीट्स आएंगी। अब एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं तो 60 सेकंड यानी एक सेकंड में एक बीट आएगी, यानी सेकंड की गति, यानी एक से दो सेकंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो समान रहना चाहिए। आपके पास घड़ी होगी, आप घड़ी में लगा कर देख लीजिए, आपका जो एक से दो जाता है, दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच जो सेकंड जाता है वो समान गति से जाता है, उसका टाइम पीरियड अलग अलग नहीं है कि एक
से दो सेकंड के बीच का टाइम जो है वो तीन से चार के बीच का नहीं हो, ऐसा नहीं है। 12 बजे से एक बजती है तब भी वही 60 मिनट का एक घंटा होता है, एक से दो बजती है तब भी 60 मिनट का एक ही घंटा होता है, वही 24 घंटे का एक दिन होता है, वही अगला होता है। तो ये यूनिवर्सल है, ये फिक्स है ना, ये चेंजेबल नहीं है, चेंजेबल नहीं है। उसी तरह से लय में संगीत का भी मामला ऐसा ही होता है कि ऐसा नहीं कि आपकी इच्छा पड़ी जब आपने दो मात्राओं के बीच का गैप बढ़ा दिया, कभी कम कर दिया। यही बात आ जाती है बांट की। बांट पहले भी मैं बता चुका हूँ, बेसिक डिफरेंस बताऊँ तो जैसे बांट है डिवीजन, बांट मतलब बांटना, डिवाइड करना, तो वही हो जाता है। जैसे कि आपने ताल कहरवा जानी होगी, ताल कहरवा सुनी होगी कि आठ आठ मात्रा की ताल है, आठ मात्रा की ताल है और चार चार का उसका विभाजन है, विभाग बनाए गए, यानी कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब ये जो विभाजन होते हैं या ये जो बांट बनती है, ये जो छंद बनता है, ये बनता है वजन से। वजन का क्या मतलब हुआ? वजन मतलब वेट, अगर उसका शाब्दिक अनुवाद किया जाए तो वेट कहते हैं। एम्फेसिस यानी उसको कितना लाउड बोलना है, कितना उस पर प्रेशर देना है, कहाँ उसकी टोन बदलेगी। जैसे कि मैंने अभी बोल के बताया कि एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, यहाँ मैंने एक और पाँच पर वजन दिया, उसे थोड़ा सा लाउड बोला, इसी से बनता है डिवीजन। अब मैं अगर इसकी बांट बदलना चाहूँ तो क्या करूँगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक दो। अब ये सुनने में क्या लगा कि मैंने तीन तीन दो तो कर दिया, कई लोग यहाँ यहीं कन्फ्यूज होते हैं और कहते हैं कि ये तो तीन गुना हो गया। तीन गुने का मतलब एक मात्रा में तीन बोलाना, जैसे कि एक दो तीन एक दो तीन, ये तीन गुना है, यानी एक ही बीट में, यानी जो वो टाइम पीरियड है वन से टू के बीच का जो वो बीपीएम है उसी के अंदर तीन आने को तीन गुना करते हैं, कहते हैं। ये नहीं कि सारे गरे गम गम पम प द प द नि ध नि सा, ये तो आपका तीसरा अलंकार है, ये तीन गुने में है। कई लोग ये समझते हैं कि ये तीन गुने में, सारे गम रे गम प गम प द, ये चार गुने में, सारे गम प रे गम प द गम प द नि, जो पाँच पाँच का सेट है पाँच गुने में है। ऐसा है नहीं, आप चाहें तो उसको उस गुने में भी गा बजा सकते हैं, लेकिन उसका जो मूल है वो ठाह ही होता है किसी भी चीज़ का। उसको आप डिवाइड करते हैं कि ये मैं इतना पोर्शन दो गुन में लूँगा, इतना सिंगल में लूँगा। अलंकार की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मुख्य गानों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि सारे ग रे ग म ग म प म प द, ऐसा नहीं होगा। एक में तीन तीन चाहो तो कर भी सकते हो, लेकिन इसका मूल ये नहीं है। मूल है सारे ग रे ग म ग म, वजन वहाँ पर मैंने बदला है, इस चीज़ का ख्याल रखें। इसको मैं मेट्रोनोम के साथ करके दिखाता हूँ। यह आपका 50 BPM मैंने लगाया, ये गति बन रही है, आप देख सकते हैं। अब इसके साथ मैं बोलूं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब इसकी मैं बांट बदलूंगा, देखिएगा, मैं एक और पाँच की बजाय किसी और पे वजन दूं तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक। ये आपने देखा, मैंने इसका छंद बदल दिया, वजन बदल के डिवीजन बदल गया, बांट बदल गई, चाल बदल गई। इसी को शास्त्रीय संगीत की भाषा में कहेंगे ताल की जातियां, जिस पर मैंने सेपरेट एक वीडियो दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां जाकर उसे भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तिस्त्र यानी तीन तीन, चतुस्त्र यानी चार चार, खंड यानी पाँच पाँच, मिश्र यानी सात, और संकीर्ण यानी नौ। और उनका भी डिवीजन कैसे है, कहाँ वजन देना है, जैसे कि तीन तीन है तो एक दो चार पाँच छः, चार है तो एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच है तो एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन पाँच का भी डिवीजन दो तीन का है, सात है तो एक दो तीन चार पाँच छः सात। अब ये जो मैं सारी बातें बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है शास्त्रीय संगीत की मूल बातें हैं या ये सिर्फ इंडियन क्लासिकल में होती है, ये हर प्रकार के संगीत में होती है, ये आपके सुगम में भी होती है, गानों में भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी ही पड़ेंगी। मैं यहाँ पे कोई शास्त्रीय संगीत की ख्याल राग उसकी ज़्यादा गहराई नहीं जा रहा हूँ, ख्याल गायकी, राग का विस्तार, घरानेदारी, वो सब की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ सीधी सीधी बात कर रहा हूँ मैं आपको मूल, जो स्वर लय ताल जो हर प्रकार के संगीत में आएंगे उनकी जानकारी के लिए। अब यहाँ पे हल्की सी अगर मैं इसकी लय बढ़ा दूँ और आपको करके दिखाऊँ, जैसे कि अगर मैंने यहाँ इसको 60 BPM कर दिया, एक मात्रा में एक बोल, एक दो तीन चार, एक दो तीन, अब दो गुना चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार,
ये मैंने लयकारी करी, लय नहीं बदली। लय बदलने का क्या मतलब हो जाएगा? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये लय बदली। और अक्सर जो लोग मिस्टेक करते हैं वो क्या है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। सिंगल जहां थी वो जो बेस था उस ही के आधार पर आपको दो गुना बोलना था, यानी वो और उसके बाद ये जो आएगा इसी के दरमियान बोलना था। आपने क्या किया, वो टाइम पीरियड रिड्यूस कर दिया, आपने ये ताली दूसरी नज़दीक ले आए, तो लय बदल गई। लयकारी तो बदली ही बदली, दोगुना तो हुआ, लेकिन वो उस ठाह का नहीं था जो आपने शुरू करी थी। तो ये लय और लयकारी का फ़र्क है और ये बांट का फ़र्क है, ठीक है। अब मेट्रोनोम में मैंने आपको समझा ही दिया है, अब मैं वज़न का थोड़ा सा और अगर एग्जाम्पल दूँ तो देखिए, मैं यहाँ पे इसको 100 कर देता हूँ मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें मैं आपको बांट बदल के दिखाता हूँ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। अब यही मैं आपको 12 मात्रा में करके दिखाऊं तो आपको और आसानी से पता चलेगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक। मुख्य यहीं पे दिक्कत आती है, लोग अक्सर समझते हैं कि ये मैंने 12 मात्रा में तीन गुना कर दिया। अब मैं इसको इस तरह से दिखा रहा हूँ, देखिएगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह एक। लयकारी में मात्राएं घट जाएंगी और मैटर जल्दी या देर से आएगा, या तो मात्राएं बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी। बढ़ेंगी कब, जब आपने लयकारी निचली वाली करी, यानी आधा एक चौथाई एक तिहाई पौन गुना ऐसा कुछ किया है, और मात्राएं घट जाएंगी जो टोटल नंबर ऑफ बीट्स है वो कब होगा, और मैटर बढ़ जाएगा फास्ट हो जाएगा, वो होगा जब आपने दो गुना तीन गुना चार गुना पाँच गुना किया है तो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये होता है जब हम बांट बदल देते हैं या कहें वज़न बदल देते हैं खाली। जो मैंने किया 12 में 12 ही आ रहे थे, पहले चार चार करके आ रहे थे, अब तीन 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 करके आ रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक सी मैथ्स है, ठीक है। आखिरी बात मैं आपको बता दूँ एक इसकी, गानों में एग्जांपल अगर मैं लेकर दिखाऊँ तो कैसा जाएगा। जनगणमन का एग्जांपल मैं हर बार देता हूँ, कई लोग समझते हैं मैं इस गाने का मजाक उड़ा रहा हूँ, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये गाना बहुत पॉपुलर है इसीलिए मैं इस बार बता रहा हूँ, वरना मैं किसी अपने गाने में भी बता देता लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा। यही गाना चल रहा है हमारा, मान लीजिए मैं यहाँ पर BPM लगा कर ही आपको बताऊँ ताकि आपको ये ना लगे मैं घबरा कर रहा हूँ कुछ। इस ही लय में, ये ओरिजिनल भी है 60 की गति में, जन गण मन अधि, आप देख पा रहे होंगे एक में दो दो आ रहा है, जन गण मन अधि। अब मैं वर्ड स्पेसिंग अगर बदल दूं, वजन बदल दूं और एक वर्ड के एक लेटर के बाद की स्पेस आगे पीछे कर दूं, तब उसको बांट बदलना कहेंगे, लय बदलना नहीं। कैसे, जन गण मन अधि ना यक जय हे। ये मैंने क्या किया, दो लेटर्स के बीच बीच का जो गैप है वो इधर का उधर किया, बराबर ही चल रहा था। अगर मैं इसकी लय बढ़ाऊंगा तो जन गण मन अधे, ये मैंने इसकी लय बढ़ा दी। और इसी की अगर लयकारी करनी हो तो ज, जैसे ये लय चल रही है, जन गण मन अधे, आप देख रहे हैं एक में दो दो आ रहा है। अब इसमें एक में चार चार ले आऊं तो चार गुना, जन गण मन अधि नायक जय हे, ये इसका चार गुना हो गया, है ना। बेसिकली इसका अलग अलग लयकारी होती है, अलग अलग बांट होती है, और अलग अलग लय बढ़ाना मतलब इसी में गति बढ़ा दूं, इसको 70 पे करने लग जाऊं तो जन गण मन अधि ये बन जाएगा। तो ये कुछ फ़र्क है लय लयकारी बांट ये सारी चीज़ों का, इनके बारे में डिटेल्ड में मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, और आप ऑनलाइन क्लास तो ज्वाइन कर ही सकते हैं जहाँ पर मैं इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल देर ना करें, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ज्वाइन करें। ग्रुप क्लासेस अवेलेबल हैं, पर्सनल क्लासेस अवेलेबल हैं, आप संगीत धारा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कंपटीशन के थ्रू आओगे तो वहाँ पर साल भर का फ्री एजुकेशन सिस्टम भी हमने अप्लाई कर रखा है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस ज़रूरत है आपको उस नंबर पर व्हाट्सएप करने की।
कॉल नहीं, कॉल मत कीजिएगा, कॉल हम नहीं उठा पाते हैं, व्हाट्सएप पर ही आपको जवाब देंगे। ठीक है, तो देखते रहें इसी तरह हमारे चैनल को, सब्सक्राइब ज़रूर करें, मास्टर निषाद प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। हम कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ आप लोगों को नया देने की। शुक्रिया।